हेलो। हाँ काका, कहाँ हो? अभी तक आए नहीं, और मैंने जो आपको काम बताया था वो किया या भूल गए? जी साहब, मुझे याद है, मैं अभी घर से निकला हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। फिर मुझे जाना भी है और होटल का भी बहुत सारा काम बच रहा है। ठीक है साहब जी, आता हूँ। भैया काफी देर हो गई, अभी तक काका नहीं आए। मेरी उनसे अभी बात हुई है, मैंने उनको एक काम बताया था, वो काम करके आ रहे हैं। काम बताया था? सुबह सुबह क्या काम था? अरे कुछ ना, वो मेरी प्रमोशन हुई है ना, तो मैंने उनको मिठाई लाने के लिए बोला था, ताकि मैं मंदिर में चढ़ा सकूं। चलो तो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। बेचारा कितना भूखा है, अगर सांप के पैसों में से मैं ही से खाना खिला दूं तो इसकी दुआएं भी सांप को ही मिलेंगी। भूख लगी है? हाँ भूख लगी है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। खाली आता गए, मैं जो तुम्हें मिठाई लाने के लिए बोला था वो कहाँ है? साहब जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे आपसे बिना पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे रास्ते में एक गरीब और भूखा आदमी मिला तो मैंने उन पैसों से उसको खाना खिला दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने जो तुम्हें काम बताया था वो काम करने का तुम्हारा फर्ज बनता है। एक तो तुम इतना लेट आ रहे हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। नहीं नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में किसी की मदद की है। आपकी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, और मुझे मेरी होटल पे कोई झूठा आदमी नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ दिख मत जाना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। काका यहाँ क्या कर रहे हो? चलो होटल पर, तो बहुत सारा काम पड़ा है। छोटे साहब जी कैसे चलूँ होटल पर, बड़े साहब जी ने मुझे होटल से निकाल दिया। क्या, होटल से निकाल दिया? लेकिन क्यों? छोटे साहब जी वो भूख लगी है। हाँ भूख लगी है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अब आप ही बताओ क्या मैंने गलत किया? काका आपने जो भी किया सही किया, लेकिन ये बात अगर कोई दूसरा सुनेगा तो वो तो शक करेगा ना। साहब जी आपकी बात तो सही है, चलो मैं आपको दिखाऊं कि हकीकत क्या है, कम से कम मेरी बात ना सही, बड़े साहब जी आपकी बात तो मानेंगे ना। भैया सुनो। हाँ बोलो। भैया आपने काका को होटल से निकाल दिया, लेकिन क्यों? अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें होटल से नहीं निकालता तो क्या करता? जो मैंने उन्हें मिठाई लाने के लिए पैसे दिए थे वो उन पैसों को खा गए, और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। आज तो वो इतनी सी चीज के लिए झूठ बोल रहे हैं, कल को कोई बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो जो भी बोल रहे थे सच बोल रहे थे।
देखो साहब जी, उन पैसों से मैंने इस आदमी को खाना खिलाया है। भाई भगवान आपका भला करे जो आपने मुझे खाना खिलाया। भाई इन दुआओं के इसलिए दार मेरे साहब जी हैं, मैंने तुम्हें खाना उनके पैसों से ही खिलाया है। भगवान आपके साहब जी कुसरे की लंबी उम्र दे। धन्यवाद भाई। देखा साहब जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लो ये मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, ये आप बड़े साहब जी को दे देना। नहीं नहीं काका, ये पैसे आप अपने पास ही रखो, भैया आपको खुद ही बुलाएंगे। भैया अब आप ही बताओ, उन्होंने सही किया या गलत? अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं है, और उस बात पे मैंने तो उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। यारे मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे एक कॉल करते ही दौड़ते हुए आ जाएंगे और मेरे को माफ कर देंगे।